सम्यास कुकिंग डायरी में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ नमक पारा। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, बनाना भी आसान है और ये लंबे समय तक ख़राब नहीं होता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ 3 कप मैदा ले रही हूँ। एक कप गेहूं का आटा, इससे काफ़ी सॉफ्ट बनता है। और हाफ टी स्पून मैं यहाँ अजवाइन ले रही हूँ, हाफ टी स्पून यहाँ, हाफ टी स्पून कलौजी और हाफ टी स्पून के लमसम यहाँ मैं कस्तूरी मेथी ले रही हूँ। इससे काफ़ी टेस्ट बढ़ जाता है और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, इसमें बहुत ज़्यादा नमक नहीं पड़ता है। और सारी चीज़ों को हमें मिक्स करना है अच्छे से पहले। और क्रिस्पी के लिए हम यहाँ मोइन डाल रहे हैं ताकि क्रिस्पी भी बने और सॉफ्ट भी बने। और थोड़ा थोड़ा करते हुए पानी मिलाना है और एक सॉफ्ट आटा लगाना है हमें। देखिए कितना सॉफ्ट आटा लग रहा है। आपको ज़्यादा गीला आटा भी नहीं लगाना है, ज़्यादा हार्ड आटा भी नहीं लगाना है। देखिए कितना सॉफ्ट है। अब इसको हम आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रख देते हैं। आधा घंटा हो गया है, अब इसको फिर से हमें मसलना है। अब इसकी लोई बनानी है। सारे को एक साथ हम बना लेंगे पहले बराबर। आप लोई को बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। अब हमें बेलना है और ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है, ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है हमें। और इसको एक नाइफ की सहायता से इसको काटना है। हमें नॉर्मल साइज रखना है, न ज़्यादा बड़ा न ज़्यादा छोटा। और दूसरी तरफ हमारा तेल गर्म हो गया है तो उसमें डालेंगे। और इसको हाई फ्लेम अभी डालते समय रखना है। और फ्लेम को हमें फिर बाद में लो कर देना है ताकि अच्छे से अंदर तक पक जाए और क्रिस्पी हो जाए। कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ रहा है, आपको मैं तोड़ के दिखा रही हूँ। देखिए एकदम क्रिस्पी बन गया है, ठंडा होने पे और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाता है। तो अब इसको निकाल लेंगे, ज़्यादा हमें डार्क कलर नहीं करना है। सारे को हमें ऐसे ही करना है। नमक पारे को मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और सॉफ्ट बना है। आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ईट हेल्दी बी हेल्दी। बाय बाय।